हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। फैमिली आज मैं आप सभी के लिए लोधा कासा मैक्सिमा के अंदर एक फ्लैट लेके आ गया हूँ। ये जो फ्लैट है 1 BHK का स्टूडियो अपार्टमेंट है। जैसा कि पहले लोधा कासा मैक्सिमा 1 था, फेज 1 उसका नाम था, अभी ये फेज 2 है या फिर टावर नंबर 5 भी आप इसको बोल सकते हैं। ये सिंगल टावर है, इसके अंदर आपको सिर्फ 1 BHK और 2 BHK का स्टूडियो अपार्टमेंट है। जैसा कि आप सभी का बजट नहीं बन रहा है कि प्रॉपर 1 BHK का फ्लैट ले लोधा कासा मैक्सिमा में, तो आप ये वाला फ्लैट परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये फ्लैट है, एक 1 BHK के स्टूडियो अपार्टमेंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है ये। तो आज मैं इसी के बारे में आप सभी से बात करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ लोकेशन दिखाता हूँ और एक्चुअल फ्लैट का वीडियो दिखाता हूँ, एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी दूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग है 23 माले की ये बिल्डिंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया गॉप, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये। कॉस्मो टावर है, तो ये और भी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सारे कास्ट के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। तो फैमिली अभी तक जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी फ्लैट का वीडियो मैं लेके आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के पास पहुंचे। जैसा कि कभी कभी हम बैंक के भी प्रॉपर्टी लेके आते हैं, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो मार्केट से 10 से 15 लाख रुपए सस्ता होता है। तो आइए फैमिली चलते हैं हम सभी वीडियो की तरफ। चलिए फैमिली ये जो रोड देख रहे हैं, ये GCC क्लब का 4 रास्ता है। ये साइड पे आप देखेंगे तो वेस्टर्न एक्सप्रेस पे जाएंगे और ये साइड पे सिनेमिक्स जाएंगे। वही से ये रोड आता है, यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि लोधा कासा मैक्सिमा का जो है फेज 1 है, जो कि पहले वाला है। और यहाँ से ये जो रोड देख रहे हैं, ये मीरा भंजर पे जाता है। यहाँ से अगर आप मेट्रो स्टेशन देखेंगे तो मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ से 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। और ये है टावर नंबर 5 जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। नीचे सब शॉप है, शॉप के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी केबिन और एंट्री गेट बना हुआ है और ये बिल्डिंग का एलिवेशन है दोस्तों। आज इसी के अंदर मैं आप सभी को फ्लैट दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अभी फ्लैट के तरफ। ये इसका लिफ्ट है, आप देखेंगे ये पैसेज है। 2 लिफ्ट आपको मिल जाता है, 2 स्टेयरकेस मिल जाता है। पर फ्लोर पे आपको 7 फ्लैट मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया ये कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया हुआ है। इस फ्लोर पे आपको एक रिफ्यूजी एरिया मिल सकता है, जो कि काफ़ी शानदार रिफ्यूजी एरिया है, तो बहुत ही बढ़िया है। आप सभी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये देखेंगे ये फ्लैट है। फ्लैट की अगर मैं वास्तु की बात करूँ तो प्रॉपर ईस्ट वेस्ट का फ्लैट है, तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। हमने जैसा कि आप सभी ने देख सकते हैं कि अभी लोधा कासा मैक्सिमा के अंदर एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेके आया हूँ। इसके रेरा कारपेट की अगर मैं बात करूँ तो 298 का रेरा कारपेट है। फ्लैट के अंदर एंटर कर से ही राइट हैंड साइड में आपको एक किचन मिल जाता है। किचन देखेंगे ओपन किचन है, इसको आप किचन बार बोल सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो आपको चिमनी लगा के मिला हुआ है, अगर गैस से धुआं स्मोक वगैरह निकलता है तो फिर यहाँ से अपने आप वो बाहर चला जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आते ही आप देख सकते हैं आपको जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया कम से कम आपको यहाँ 16 फीट की मिल जाती है। वही अगर चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई आपको यहाँ पे टोटल 10 फीट की मिल जाती है। आपको एक AC यहाँ पे मिल जाता है लिविंग एरिया में। और यहाँ से आप व्यू देखेंगे तो व्यू आपको काफी क्लियर भी मिलता है, रोड साइड का व्यू मिलता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं व्यू देखेंगे काफी क्लियर भी है। लोधा कासा मैक्सिमा का फेज 1 है, सामने माउंटेन फेसिंग आपको मिल जाता है। यहाँ से देखेंगे तो पूरा रोड फेसिंग है, ये लोधा कासा मैक्सिमा का ये फ्लैट है। उसके बाद हम लोग ज़्यादा डिफरेंट इसमें नहीं है, फ्लैट कैसा है कि एक इसको एक कॉम्पैक्ट आप फ्लैट बोल सकते हैं, 1 BHK का कॉम्पैक्ट फ्लैट बोल सकते हैं। अभी लोधा कासा मैक्सिमा में आपको फ्लैट चाहिए बट आपका बजट नहीं बन रहा है तो आप इस फ्लैट को परचेस कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको एक यहाँ पे बेडरूम मिल जाता है, बेडरूम कॉमन बेडरूम है। बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ तो 9 फीट लंबाई और 9 फीट चौड़ाई मिलती है। उसके बाद भी आप सभी को यहाँ पे एक कवर्ड स्पेस मिल जा रहा है, जो कि ये सबसे प्लस पॉइंट है इस बेडरूम के अंदर की आपको एक कवर्ड स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक AC भी मिलता है और यहाँ से भी विंडो से आप अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छा खासा आपको व्यू मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट। इसमें मास्टर बेडरूम नहीं है बिकॉज ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। अगर वॉशरूम एंड टॉयलेट देखेंगे तो यहाँ पे आपको टॉयलेट अलग मिल जाता है, जिसमें बेसिन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। उसके ठीक बाजू में आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है, फिटिंग सब लगे हुए हैं, गीजर्स फिटिंग, इटालियन मार्बल, हर एक फिटिंग्स लगे हुए हैं, जो कि काफी शानदार और
काफी बढ़िया है फैमिली। तो एक बार मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सब आए और इस फ्लैट को विजिट करें, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सस्ते प्राइस में। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 53 लाख के ऑल इन पैकेज में मिलता है दोस्तों। साथ में एक 1 कार पार्किंग मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 18 महीने का मेंटेनेंस मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप सबसे गुजारिश है, आप सब आइए और एक बार इस फ्लैट के ऊपर विजिट कीजिए दोस्तों। जैसा कि फैमिली आप सभी ने देखा, फ्लैट और लोकेशन कितना अच्छा था। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर इससे भी ज़्यादा जानकारी आप लेने चाहते हैं, तो मैंने जो है लोधा कासा मैक्सिमा का एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के अंदर। तो उसमें आपको हर तरीके से इसके लोधा के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो बिल्डिंग है 23 माले की बिल्डिंग है, एक ही विंग है, सिंगल टावर। जैसा कि आप सभी ने देखा, नीचे दोनों साइड पे यहाँ पे आपको शॉप मिल जाते हैं। इसका दो तरफ से एंट्रेंस है। अगर आप जीसीसी क्लब के तरफ से आते हैं तो वहाँ पे भी आपको एंट्रेंस मिल जाता है, या फिर कासा मैक्सिमा का जो फेज वन है, जो लोधा का जो रोड है, आप उस रोड से भी आते हैं तो भी इसका एंट्रेंस मिल सकता है। इसमें आप सभी को बता दूं कि अगर एमिनिटीज की बात की जाए तो एमिनिटीज बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं। एक छोटा सा किड्स प्ले एरिया रेडी हो रहा है, एक छोटा सा गार्डन रेडी हो रहा है, जो कि मैं आप सभी को दिखा नहीं पाया, बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसके लिए मैं आप सभी को दिखा नहीं पाया। वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो जहाँ तक कि देखा आपने, फ्लैट काफ़ी अच्छा है। फ्लैट के अंदर मैं आपको बता दूँ कि इसका जो रेरा कारपेट है, 289 का इसका रेरा कारपेट है। आप सभी ने फ्लैट के अंदर देखा कि लिविंग एरिया में आपको एक किचन बना के दिया गया हुआ है, तो आप उसको कवर भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे कवर नहीं करने के लिए तो आप विदाउट कवर भी आप करके इसे बना सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। फ्लैट के अंदर 2 AC लगा हुआ है, एक बेडरूम में लगा हुआ है और एक लिविंग एरिया में लगा हुआ है, वो भी आपने देखा। और वही अगर साइज की बात करूँ तो बेडरूम की जो साइज है वो 9x9 की साइज है। उसके बाद भी आप सभी ने देखा कि एक कवर्ड स्पेस लगा के दिया गया हुआ है, तो ये भी काफ़ी एडवांटेज और काफ़ी अच्छी है। वही अब इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे फ्लैट कॉस्ट पे 55 लाख के फ्लैट कॉस्ट पे बिक रहा है। बट ये जो फ्लैट आपने देखा, ये बहुत ही डिस्ट्रेस सेल में ये फ्लैट में लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ 53 लाख के ऑल इन पैकेज में। इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन है, आप सब आए फ्लैट देखें, उसके बाद आप सभी हमसे बात करें। आप सभी को मैं इसमें भी बहुत अच्छा बेस्ट रेट करा के आपको दूंगा, बिकॉज ये जिनका फ्लैट है उन्होंने कहीं और पे प्रॉपर्टी में उन्हें परचेस की हुई है, तो उनको जल्द से जल्द वहाँ पे पेमेंट करना है। तो अभी भी आप देखेंगे तो लोधा कासा मैक्सिमा के हिसाब से मैं मार्केट से कम 10 लाख रुपया सस्ती प्रॉपर्टी ये मैं आपको दे रहा हूँ। फ्लैट के अंदर आपको 18 महीने का मेंटेनेंस फ्री मिलेगा, जो कि अभी जस्ट बिल्डर ने पोजीशन दिया हुआ है, तो इसके ऑनर जो पहले के हैं, अभी जो प्रेजेंट में जो ऑनर है उन्होंने इसका पैसा दिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया, ये फिटिंग्स वगैरह आपने देखा, इटालियन मार्बल सब लगे हुए हैं। पानी की अगर मैं बात करूँ तो 24 घंटा MBMC वाटर है। वही अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो मीरा भाईंदर रोड आपको यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है। अपकमिंग मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो वो भी आपको 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करूं तो यहां से आपको 5 मिनट के डिस्टेंस पर मिल जाता है। जीसीसी क्लब 100 मीटर पर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से अगर आप बॉम्बे जाना चाहते हैं या फिर दैसा चेक नका की बात करूँ तो यहाँ से 8-9 मिनट में आप वहाँ पर रीच कर जाते हैं। वही अगर होटल्स की मैं बात करूँ या PVR की बात करूँ तो PVR में आप ले लें सिनेमैक्स थिएटर, यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पर मिल जाता है। मैक्सिस मॉल की बात करूँ तो 15 मिनट में मिल जाता है। रसाज की मैं बात करूँ, रसाज मॉल, रसाज सिनेमा की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको 10 से 12 मिनट में मिल जाता है। वही अगर मैं ठाकुर मॉल की बात करूँ तो ठाकुर मॉल आपको यहाँ से 10 से 12 मिनट में मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही परफेक्ट है ये। वही अब अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल यहाँ से आपको मिल जाता है, ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल 100 मीटर पे, वेदांत इंटरनेशनल स्कूल 150 मीटर पे, जीसीसी इंटरनेशनल स्कूल 100 मीटर पे। सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल की बात करूँ तो 12 मिनट के डिस्टेंस पर मिल जाता है। RBK स्कूल की बात करूँ तो 5 मिनट के डिस्टेंस पर मिल जाता है। तो स्कूल कॉलेज के मामले में भी ये बहुत ही बढ़िया है। या फिर आप रीना मेहता कॉलेज ले लें तो वो आपको यहाँ से 15 मिनट के डिस्टेंस पर मिलता है। NH स्कूल ले लें या फिर रॉयल कॉलेज ले लें, ये सारी चीज़ें यहाँ से 10 से 12 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। वेजिटेबल मार्केट की बात करूँ तो 100 मीटर के दूरी पे, यानी लगभग 1 मिनट प्रोजेक्ट से बाहर निकलेंगे आपको मंगल नगर वेजिटेबल मार्केट मिल जाएगा, जहाँ की
हर एक चीज उपलब्ध है, चाहे आप वेजिटेबल खरीदे या फिर चिकन मटन फिश कोई भी चीज की आप दुकान की जरूरत हो, आपको सारी चीजें नीचे उपलब्ध है। ग्रोसरी की बात करूं नीचे उपलब्ध है, मेडिकल की बात करूं नीचे उपलब्ध है। तो बहुत ही अच्छा खासा ये लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है नियर जीसीसी क्लब हाटके सरिया, इसको हम बोलते हैं, जो कि मीरा भाईंदर के अंदर है। तो बहुत ही बढ़िया ये है, आप सभी एक बार आइए और प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट कीजिए। अगर आपको चाहिए कि इसके अलावा भी अगर आपको सेम बजट में 50-55 लाख में आपको अगर इसमें नहीं चलता है, कहीं और पे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मीरा रोड के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे ऑन गोइंग है, जहाँ पे 55 लाख में 50 लाख में पैकेज आपको फ्लैट 1 BHK और 1 RK दोनों ही उपलब्ध है, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कभी हम अंडर कंस्ट्रक्शन न्यू प्रोजेक्ट रेंटल कमर्शियल में भी हम काम करते हैं, उसमें भी अगर हमारी सहायता चाहिए तो आप उसके लिए भी हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे। फैमिली अगर आपका लोधा कासा मैक्सिमम में फ्लैट है, उसको सेल करना हो या रेंट आउट करना हो या रेंट पे लेना हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा काम रहता है। आप सभी एक बार हमसे जुड़िए और हमारे साथ काम करिए, और हमारा जो एक्सपीरियंस है आप उस एक्सपीरियंस का औहदा लीजिए, उसको पहचानिए। ब्रोकर्स तो मीरा रोड में बहुत सारे हैं, बट हर किसी का एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो आप उस एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो कितना अच्छा और किस तरीके से है। तो फैमिली मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक जितने जन हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस फ्लैट को देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ में मैं आप सभी को बता दूं, हम होम लोन का भी काम करते हैं, तो अगर होम लोन भी आप सभी को कराना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा 52 बैंकों से टाइप है, हमारे जो बैंकर है आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिसका 1 रुपया भी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट के चार्जेस है लाइक स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, ये सब सारी चीजें आपको पे करना है, बाकी आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं मिलेगा, तो आप होम लोन के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फैमिली, आज के वीडियो में बस इतना ही, एक बार मैं फिर से आप सभी के बीच में इसी तरीके से एक अच्छा फ्लैट लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, एक बार फिर से मिलूंगा मैं दिलीप शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल कीप ग्रो प्रॉपर्टी में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।